बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने इंकशाफ किया है कि इनके प्रोडक्शन हाउस ने संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास के हकूक हासिल कर लिए हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड में मुनक्किद होने वाले 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान को पार्दो इला कुरीरा अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड से नवाजा गया। इसी फिल्म फेस्टिवल में इनके मशहूर फिल्म देवदास की नुमाइश भी की गई। शाहरुख खान ने फेस्टिवल में होने वाले मास्टर क्लास के दौरान इंकशाफ किया कि मेरे प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज इंटरटेनमेंट ने इस फिल्म को फरोग करने के हकूक हासिल कर लिए हैं। अदाकार ने बताया, जब मैंने फिल्म देवदास में काम करने का फैसला किया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने खबरदार करते हुए कहा कि यह किरदार फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर मेरे पॉप कल्चर जोन से बाहर है, इसलिए ज्यादा इम्कान है कि शायकीन मुझे इस तरह के किरदार में पसंद ना करें। इन्होंने बताया, लेकिन मैंने अपनी वालदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस फिल्म में काम किया और ये मेरी जिंदगी की बेहतरीन तजर्बात में से एक साबित हुआ। शाहरुख खान ने बताया, मुझे बहुत फख्र है कि अब ये फिल्म मेरी प्रोडक्शन कंपनी से भी ताल्लुक रखती है।